हाय दोस्तों, मैं हूं अमृत देशमुख, आपका बुकलेट गाय। और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकी हुई बुक, अब तक की वर्ल्ड रिकॉर्ड बेस्ट सेलिंग बुक। फिक्शन जॉनर में तो हमको पता है हैरी पॉटर है, लेकिन नॉन फिक्शन में जो सबसे ज़्यादा बिकी हुई बुक है वो मेरे इस वक्त हाथ में है, और उसका नाम है 7 Habits of Highly Effective People, रिटन बाय स्टीफन कोवे। आई एम श्योर आपके कई लोगों ने इस बुक का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। इस किताब में हैबिट नंबर 2 ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा करके दिया है, और उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ऑफकोर्स ऑल द 7 Habits आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बहुत मज़ा आया मुझे इस किताब को पढ़ने को, एंड आई कुड नॉट रेजिस्ट टू शेयर हैबिट नंबर 2 विथ यू, क्योंकि ये जो हैबिट है जो ऑथर ने जिक्र की है उसको मैंने मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट की, कैसे इम्प्लीमेंट की ये सब हम जानेंगे। तो हैबिट नंबर 2 ऑथर बोलते हैं, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। ओके, इसका मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटी शुरू करोगे, जो भी गोल शुरू करोगे, उसका अंत इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ जॉब आपको तय करना है आज ही। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं तो उसका डेट फाइनल करो कि मुझे 30th दिसंबर तक मुझे ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, या आपको कोई वेट लॉस करना है। ओके, तो बस ऐसे मत बोलो कि मुझे 10 किलो वज़न घटाना है, आपको वो 10 किलो वज़न कितने महीने में घटाना है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, राइट डाउन द एंड इन योर ऑन अ पेपर। ओके, वो एंड डेट, टारगेट डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये जो आइडिया है इसको मैंने धीरे धीरे मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मैंने जाना कि हर चीज़ में ये हैबिट हम यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बुरी हैबिट जो हमने शुरू की है पिछले 1-2 साल में, हम सबको इसकी आदत हो चुकी है, उसको मैं बोलता हूँ आइडल ब्राउजिंग, या रादर एमलेस ब्राउजिंग। एमलेस ब्राउजिंग में उसको कहता हूँ जहाँ पर हम जस्ट बिकॉज मेरे हाथ में मोबाइल पड़ा है तो मैं व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहा हूँ, मुझे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि मुझे इसको मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप को हटाना है, मोबाइल को हटाना है, ऐसा हम नहीं करते। हम बस मैसेजेस आए तो पढ़ते जाते हैं, कभी जोक्स पढ़ते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं, कोई ऑडियो सुनते हैं, कोई अचानक से श्री श्री रविशंकर का कोई ऑडियो होता है तो वो देख लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जब आपको पता नहीं है कि मुझे अगले 15 मिनट में क्या करना है, ओके, एंड आई कीप ब्राउजिंग इट एमलेसली, then that may lead you to depression in the long run. Why? Suicidal tendency क्यों होती है, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में पर्पज़ नहीं है, कोई एम नहीं रहता है, इसलिए वो अपनी जान दे देते हैं। तो यही चीज़ हो रही है हमारे साथ जब हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे एमलेस ब्राउजिंग करते हैं। यूट्यूब पे देखो, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप एक वीडियो देखते हो, ओके, आपको पता नहीं, हमने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कौन सा वीडियो देखना है, आप शुरू करते हो, वो खत्म होने के बाद तुरंत कोई नया वीडियो दिखता है, अरे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो ये भी देख लेते हैं, अरे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कभी मैंने वरुण धवन का कोई गाना देख लिया, तो कभी अचानक मैंने रविशंकर का कोई स्पीच देखा। सो देर इज नो क्लैरिटी, बस सामने है तो मैं देखता गया। और YouTube, WhatsApp, Facebook यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके ऐप पे बिताएं, लेकिन इस चक्कर में हम ये भूल रहे हैं कि वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑफ आवर डे ऑन एमलेस ब्राउजिंग। डोंट यू थिंक इट इज़ सो डेंजरस? सो यहाँ पे ये हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड, जब आप करोगे तो आई थिंक ये जो डेंजरस एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो भी दिन रात आए दिन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कंट्रोल में आ सकता है। सो करना क्या है कि जैसे मैंने अभी डिसाइड किया है कि मुझे बुक पढ़नी है, ओके, तो मुझे क्लियरली एंड टाइम क्लियर करना है कि पूरी मोटी बुक मुझे पढ़नी है, तो ये ब्रेन को पसंद नहीं है कि इसके 300 पेजेस मुझे पढ़ने हैं, ऐसे टारगेट मत रखो। ऐसे डिसाइड करो कि अगला 30 मिनट मुझे 5 पेजेस पढ़ने हैं, ओके, सो 30 मिनट्स में 5 पेजेस, या वॉट एवर इज़ योर स्पीड, कुड बी 15 मिनट्स एंड 5 पेजेस। तो लिटरली आपको अलार्म लगाना है अगले 15 मिनट या 30 मिनट के लिए, ओके, क्योंकि जब हम बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे ब्रेन में या दिमाग में कोई ऐसा नेचुरल टाइमर नहीं है कि 30 मिनट के बाद अपने आप कोई पॉपअप आ जाए
और हमको पता चलेगा कि अभी मुझे पढ़ना रुकना है। इसलिए हमको सिंपल, हमारे मोबाइल में टाइमर होता है, उसको 30 मिनट का आप अलार्म लगाओ और 30 मिनट के बाद आपकी एक्टिविटी को आपको बंद करना है। दिस इज़ व्हाट ही सेज, बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आप YouTube पे जाओ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सीरियस चीज़ों के लिए, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है। सपोज़ मुझे कपिल शर्मा का एपिसोड देखना है तो उसमें भी मैं YouTube पे जाऊंगा। आई हैव टू डू इट विद पर्पस, नो एमलेस ब्राउजिंग। मैं YouTube पे जाऊंगा और अगले 20 मिनट पे मुझे कपिल शर्मा के 2-3 एपिसोड्स देखने हैं या एक एपिसोड देखना है, जो भी है। सो पुट एन एंड इन माइंड, आपको अलार्म लगाना ज़रूरी है। आप दिमाग में मत रखो कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के बाद मैं YouTube बंद करूँगा, वैसा नहीं होगा। क्योंकि YouTube और Facebook इन्होंने ऐसा कुछ बना के रखा है कि आप रुक नहीं सकते, आप एक के बाद एक वीडियो देखते जाओगे। कपिल शर्मा का एक एपिसोड देखा, फिर दूसरा देखने का मन करता है, फिर तीसरा। और हमने डिसाइड किया था कि 15 मिनट देखूँगा और पता चला कि एक घंटा मैं सिर्फ इसी पर टाइम पास कर रहा हूँ। और फिर एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट गेट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और पता चलेगा कि अरे मैंने तो पूरा दिन एमलेसली कहीं पे गुजार दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मोबाइल में जो टाइमर है उसको हर 30 मिनट पे एक छोटा छोटा अलार्म लगाओ, 30 मिनट के बाद ब्रेक ले लो, वापस आप काम पे लगो। तो ये जो हैबिट नंबर 2 है, कीप द एंड, बिगिन विद एन एंड इन माइंड, इसको मैंने एक और मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट की। आप देख रहे हो कि मैं मेरे जिम में हूँ, द क्रॉस वन फिटनेस। तो आजकल मैं क्रॉसफिट या कैलिस्थेनिक सीख रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों से कुछ टफ एक्सरसाइजेस में सीख रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहे थे। तो जब मैंने किताब पढ़ी और बिगिन विद एन एंड इन माइंड का आइडिया जब मुझे समझ में आया, तो मैंने एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करना सोचा। एक ह्यूमन फ्लैग करके एक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है जो बहुत टफ माना जाता है, और मुझे वो करने का बहुत मन कर रहा था और उसकी प्रैक्टिस जारी थी लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। एक दिन मैंने मोबाइल उठाया और हमारा जो जिम का, क्रॉस वन जिम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सीधा लिख दिया कि आज से एक महीने के बाद, तो उस दिन शायद 15 सितंबर था, तो 15 अक्टूबर को आई विल शो यू अ वीडियो ऑफ माई ह्यूमन फ्लैग विदाउट फेल एंड दिस इज़ माई कमिटमेंट। ऐसा मैंने एंड इन द माइंड रख के सबको डिक्लेयर कर दिया। आई नॉट ओनली मेड एन एंड इन माइंड बट आई ऑल्सो डिक्लेयर इट टू ऑल द फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 150 लोग उस ग्रुप में है, उनको मैंने बता दिया एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि एक महीने में कैसे पॉसिबल है। बट आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट, मैंने बस डिसाइड किया और वो डिक्लेयर कर दिया। अब इससे क्या क्या फ़ायदे हुए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बुक के बदौलत। एक तो दूसरे दिन जब मैं जिम आना शुरू किया, सब लोग मुझे मोटिवेट करने लगे कि भाई एक महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, कितना प्रोग्रेस हुआ। सो आई स्टार्टेड गेटिंग फ्री इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीबडी, ओके, दे ऑल वांट मी टू अचीव दैट टारगेट। सो कहते हैं ना, शाहरुख ने जैसे एक मूवी में कहा है कि जब कोई शिद्दत से कुछ चीज़ चाहो तो पूरी कायनात समथिंग समथिंग। सो यही कुछ हुआ मेरे साथ एंड रियली इसकी वजह से एक महीने के अंदर, आई थिंक एक दिन पहले ही, 15 अक्टूबर का टारगेट था, 14 अक्टूबर को आई कुड डू ह्यूमन फ्लैग। ओके, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकली मैं फिट हूँ, कोई भी रीज़न नहीं था। रीज़न यही एक था कि मैंने एक टाइम लिमिट रखा। ओके, क्योंकि टाइम लिमिट हम जब नहीं रखते हैं तो ज़िंदगी पूरी पड़ी है, बस करते जाएंगे एमलेसली। जैसे मैंने एमलेस ब्राउजिंग के बारे में बोला था तो जो डेंजरस है, तो वैसे ही एमलेस एक्सरसाइजिंग भी ठीक नहीं होगा। ओके, आपको अगर वेट लॉस करना है तो डेडलाइन रखो और यू शुड बी एबल टू सी द रिजल्ट, विजुअलाइज द रिजल्ट। अभी एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है 6 महीने में, ये भी काफ़ी नहीं है। क्योंकि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो कि 10 किलो घटाने के बाद मैं कैसे दिखूंगा या कैसे दिखूंगी, तो फिर आपको क्या करना है। ओके, तो आपको ऐसा कुछ गोल रखना है जो आप देख सकते हो और अपने आप आपका वेट लॉस हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 1000 रोप जंप्स बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स। आप कोई डेट रखो और उस वक्त सबको डिक्लेयर करो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 1000 रोप जंप्स मतलब स्किपिंग्स करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत करोगे। जैसे मैंने ह्यूमन फ्लैग के लिए जब डेडलाइन रखा, तो मैं एक दो बार तो जिम में 2 बार आ गया था, क्योंकि जैसे जैसे डेडलाइन पास में आ रही थी और मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो पता नहीं कहाँ से वो इतने पावर एंड विल पावर आ रही थी।
बट सम हाउ आई कुड नो अचीव द टारगेट. इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि टारगेट के दो दिन पहले मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी. रात को 3 बजे मैं टेरेस पे जाके ह्यूमन फ्लैग की प्रैक्टिस की, जो मैं कभी नहीं करता अगर 15 अक्टूबर की डेडलाइन अगर मैं नहीं सेट करता. सो दोस्तों को डिक्लेयर करने से क्या हुआ कि वी ऑल वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एस्टीम. ओके, हमें हमारी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और अब भी मेरी इज्जत दाव पे लगी थी क्योंकि मैंने मेरा टारगेट सबको डिक्लेयर कर दिया था और सब लोग मुझे हेल्प कर रहे थे टारगेट अचीव करने में. तो आई थिंक इन सब की चीज़ों से वो टारगेट अचीव हो पाया. तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा कि ह्यूमन फ्लैग कैसे करते हैं, और ये एक जीता जागता एग्जाम्पल कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बिगिन विथ एन एंड इन माइंड. इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ.